जय देव वॉरियर्स, कैसे हो भाई साहब? तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो अभी तक आपके नहीं बने हैं, या फिर अगर अभी तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुला, या फिर चेकबुक नहीं निकलवाई है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो भाई आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ सबके सॉल्यूशन बताऊंगा, कोई भी टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ूंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाओगे ज्वाइनिंग से पहले। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि कोविड सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो क्या करें। तो देखो भाई, जिस टाइम पे कोविड की वैक्सीन लग रही थी उस टाइम पे काफ़ी लोगों को फीवर भी चल रहा था। तो फिर आप अपने ज्वाइनिंग के टाइम पे बोल सकते हो कि सर मुझे फीवर था, इस वजह से मेरे पेरेंट्स से मना कर दिया कि वैक्सीन मत लगवाओ। और अगर आप उस टाइम पे 18 से कम के थे तब तो 18 से कम वालों को वैक्सीन लगने लगी थी। आप यही बोल देना कि मुझे फीवर था, इस वजह से मैंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मेरे पेरेंट्स से मना कर दिया था वैक्सीन लगवाने के लिए। और भाई अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, बैंक अकाउंट नहीं है, तो अगर ये पॉइंट 7-8 दिन पहले आपने बोला होता तो फिर बैंक अकाउंट खुल सकता था। 7-8 दिन पहले आपकी चेकबुक भी आ जाती, लेकिन अगर अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस दिन आपका एनरोलमेंट होगा उस दिन वहाँ पे बैंक वाले लोग बैठे होंगे, आप उनको बता दोगे कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है आपके अकाउंट में, तो लोग आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पैन कार्ड की फोटो कॉपी वगैरह, और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बैंक अकाउंट उसी दिन खुल जाएगा, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद चेकबुक भी मिल जाएगी। और उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि बैंक अकाउंट है पर चेकबुक नहीं है। वही जिन जो लोग वहाँ पे बैंक अकाउंट के लिए बैठे होंगे, अगर आपके पास उस बैंक में अकाउंट है लेकिन आपके पास चेकबुक नहीं है, तो फिर आप उनसे बोल देना कि सर ये मेरा अकाउंट नंबर है, मुझे चेकबुक इशू कर दो, तो वो लोग आपके चेकबुक बना के दे देंगे। जब आपकी चेकबुक बन जाएगी तो आपके बिलेट में आपके रूम के पास आ जाएगी, जहाँ पे भी आप रहोगे। उसके बाद भाई अगला पॉइंट है कि घर से कितना कैश लेकर जाना है। भाई घर से आप मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये लेके जाना, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाते जाते खाने पीने में और रूम वूम बुक करने में भी आपके काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे, तो आपके पास वहाँ तक जाते जाते तो 7-8 हज़ार रुपये ही बचेंगे। और 5,000 के लमसम उन्होंने मंगवाए कि एयरपोर्ट स्टेशन में 5,000 रुपये ले देना, और तो फिर महीने के बाद में आपके पास वही 2-3 हज़ार रुपये बचेंगे, और ज़्यादा रुपए नहीं बचेंगे। तो फिर आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये ले जाना, और अगर आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी ले जा सकते हो, बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 10,000 रुपये ले जाना, क्योंकि आपके रास्ते में भी खर्च होंगे और फिर वहाँ पर रूम बुक करने में और खाने पीने में भी खर्च आएगा। और भाई अगर अगले पॉइंट की बात करें, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना है। भाई पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एयरफोर्स में ज़रूरत नहीं है, वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन खुद करवा लेते हैं अगर अभी तक नहीं बना है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के लिए करेक्ट 10 दिन का टाइम लगता है, और अगर अभी तक आपका नहीं बना है तो फिर टेंशन मत लो, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, एयरफोर्स पुलिस वाले, वो लोग आपके एरिया में कॉन्टेक्ट करके अपने आप पुलिस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। और अगर भाई अगले पॉइंट की बात करें, बेसिक ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है। वही बहुत लोग बोल रहे हैं कि बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की होती है और 2.5 महीने का टेट्रा होता है, ऐसे ऐसे। वही मैं आपको बता दूं कि बेसिक ट्रेनिंग होती है 22 वीक की। 22 वीक मतलब 154 दिन, 154 दिन मतलब 5 महीने। 5 महीने की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद 8 वीक्स का टेट्रा होगा, मतलब दो महीने का टेट्रा होगा। टोटल 5 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होगी और 2 महीने का टेट्रा होगा, और टोटल 7 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपको आपकी सबसे पहली छुट्टी मिलेगी, वो भी लमसम 15 दिन की होती है। और 15 दिन की छुट्टी के बाद में आपको वापस पोस्टिंग पे जाना होगा, और उसके बाद फिर आपके पास जो 3 महीने बचे होंगे उनमें आप 3 महीने में 15 दिन की छुट्टी और ले सकते हो, तो आपकी 1 साल की 30 दिन की छुट्टी ये पूरी कवर हो जाएगी। और अगर बात करें भाई कि सैलरी कितनी आएगी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो भाई बेसिक सैलरी आपकी 21,000 रुपये है, ट्रेनिंग में कोई अलाउंस भी नहीं जुड़ेगा, लेकिन फर्स्ट मंथ की सैलरी में आपका कुछ इंक्रीमेंट होके आएगा, क्योंकि जितने टाइम आपको 3, 4, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन पहले आपको बुलाया जाएगा महीने के, जैसे जनवरी से पहले 21 से 25 के बीच में रिपोर्टिंग हो रही है, स्टैंड बाई वालों को 26 को बुलाया जा रहा है, तो जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी उसी दिन से आपकी सैलरी जुड़ना शुरू हो जाएगी।
तो आपकी पहले महीने में वो इंक्रीमेंट होके आ जाएगी, और जो दूसरे मंथ की सैलरी होगी उसमें आपकी ट्रेन की टिकट का पैसा इंक्रीमेंट होके आ जाएगा। दूसरे महीने की सैलरी में ट्रेन का पैसा आता है। तो भाई आप लोग अपने ट्रेन की टिकट ले जाना मत भूलना। ट्रेन की टिकट की एक ओरिजिनल कॉपी और दो फोटो कॉपी करके ले जानी है, उसी से आपको रिफंड मिलेगा और दूसरे महीने की सैलरी में आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।